हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम एक स्टार्टअप बनाने वाले हैं पनीर का। जैसा हम जनरली बूफे में जाते हैं या फिर रेस्टोरेंट में ऑर्डर करते हैं पनीर टिक्का, एकदम सेम टेस्ट आपको घर पे भी मिले, तो उसके लिए आप ये रेसिपी फॉलो कर सकते हैं। आपको आंख बंद करके ये रेसिपी फॉलो करनी है, इसमें कुछ भी ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं करना है। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम एक पैन में 2 बड़ी चम्मच तेल लेंगे एंड उसमें 1 छोटा कप हम बेसन का, जो चने का आटा होता है, उसको हम अच्छे से भून लेंगे। तो भूनते टाइम हमको बस हल्की सी खुशबू आ जाए, इसका कलर चेंज नहीं होना चाहिए। ये पूरे प्रोसीजर को आप लो फ्लेम पे करना, नहीं तो बेसन बहुत जल्दी जल जाता है। जैसे ही आप देखेंगे इसमें से हल्की सी खुशबू आने लगी है, तो हम उसको एक सेपरेट बोल में निकाल लेंगे। उसके बाद वापस से हम 2 चम्मच तेल लेंगे एंड इस बार हम जो लाल मिर्च होती है, इसमें 3 बड़ी चम्मच मैंने लाल मिर्च का पाउडर लिया है एंड उसको भी हम भून लेंगे। इसमें आप चाहें तो अपनी गैस को ऑफ कर दें, नहीं तो ये बहुत जल्दी जल जाती है। इसमें पकाना नहीं है, बस एक बार इसको आप तेल में अच्छे से मिक्स कर लेंगे और वो बेसन, जिस बोल में आपने बेसन डाला था उसी के ऊपर हम इसको भी निकाल लेंगे एंड इन सबको हम अच्छे से एक बार मिक्स कर लेंगे। हम इसमें चीज़ें मिलाने से पहले एक बार इसको अच्छे से ठंडा कर लेंगे। हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे इवनली एंड जैसे ही ये ठंडा हो जाएगा, उसके बाद हमने यहाँ पे हंकर्ड लिया है। ये मैंने 3 बड़ी चम्मच, 3 से 4 बड़ी चम्मच या फिर 1 कप आप हंकर्ड ले लेंगे एंड उसके बाद हमने आधी छोटी चम्मच इसमें हल्दी पाउडर मिलाया है, 2 बड़ी चम्मच धनिया का पाउडर और 1/4 छोटी चम्मच कुटी हुई काली मिर्च और 1 चम्मच हमने आमचूर का पाउडर डाला है, 1 चम्मच जीरा पाउडर और 2 चम्मच इसमें अदरक का पेस्ट है और उसके बाद हम लास्ट में स्वाद अनुसार नमक इसमें ऐड कर लेंगे एंड ये सारी चीज़ों को हम अच्छे से मिला लेंगे। यहाँ पे हंकर लेना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि उसमें पानी की क्वांटिटी कम होती है, तो घर पे उस चीज़ को बनाने के लिए हम नॉर्मल दही को एक कपड़े से, मलमल का कपड़ा या नायलॉन कपड़े में बांध के 2 घंटे के लिए टांग देंगे, तो उसमें से एक्स्ट्रा वाटर पूरा निकल जाएगा एंड आपका मिक्सचर मैरिनेट का रेडी होके कुछ ऐसा दिखेगा। इतना थिक होना चाहिए आपका मिक्सचर। अब हम अपनी सारी की सारी वेजिटेबल्स इसमें मिक्स कर लेंगे। तो सबसे पहले ऑनियन को, इसको मैंने ऐसे स्क्वायर क्यूब्स में कट कर लिया था। सिमिलरली जो शिमला मिर्च है उसको भी मैंने स्क्वायर पीसेस में ऐसे कट कर लिया था और ये मैंने बटन मशरूम लिया, ये टोटली ऑप्शनल है। इसको हम थोड़ा सा मोटा कट करेंगे एंड उसके बाद ये पनीर के पीसेस हैं, इनको हम जो नॉर्मल सब्जी बनाते हैं वो पीसेस के कंपैरेटिवली थोड़ा सा बड़ा रखेंगे इनका साइज़। इन सब चीज़ों को हम एक बार अच्छे से मिला लेंगे, ये कोट हो जाए पूरे मैरिनेशन में सारी की सारी वेजिटेबल्स, सो दैट उसका टेस्ट उसमें अंदर आ जाएगा सब्जियों में एंड उसके बाद हम इसको 1/2 घंटे के लिए ढक के ऐसे ही छोड़ देंगे। और ये मैंने स्क्यूअर्स लिए हैं, तो एक एक करके हम सारी की सारी वेजिटेबल्स इसमें लगा लेंगे। तो मैं आपको एक स्टिक पूरी करके दिखाती हूँ। तो पहले मैंने यहाँ पे स्टार्टिंग में पनीर रखा है एंड उसके बाद इसमें कैप्सिकम और ऑनियन है वो डाल लेंगे। आप देख सकते हैं हमारी सब्जियाँ कितने अच्छे से मैरिनेट हो गई हैं। यहाँ पे मशरूम को भी मैंने थोड़ा सा मोटा कट किया था क्योंकि वो पकते टाइम एकदम श्रिंक हो जाएगा। फिर देखिए हमारा एक स्क्यूअर रेडी हो गया है। इसी तरीके से मैंने सारे के सारे उसमें सारी वेजिटेबल्स अच्छे से लगा ली हैं। अब हम इसको माइक्रोवेव करके पकाएंगे। तो यहाँ पे मैंने सारी के सारे हमारे पनीर टिक्का को इसमें माइक्रोवेव में रख दिया था एंड इसको हम कन्वेक्शन मोड पे 180 डिग्री पे 7 मिनट के लिए पहले पकाएंगे। अगर आपके पास कोई और माइक्रोवेव है तो उसका टाइम थोड़ा डिफर कर सकता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा 7 मिनट हो चुके हैं, ये आधा पक चुका है। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसमें जो मेल्टेड बटर है वो ऊपर से डाल करेंगे। इसके टेस्ट को इन्हांस करने के लिए हम इसके ऊपर से मेल्टेड बटर डालेंगे। आप चाहें तो ये प्रोसेस स्किप भी कर सकते हैं अगर आप ज़्यादा ऑयली ना खाना पसंद करें तो। एंड उसके बाद वापस से मैंने इसको 7 से 10 मिनट के लिए सेम 180 डिग्री पे
रख दिया था। आप देख सकते हैं ये रेडी हो गया है। एंड एक बार जब हमें सर्व करना होगा उससे पहले हम इसमें बटर डाल देंगे। अगेन आप इस पार्ट को स्किप कर सकते हैं अगर आपको ज़्यादा बटर नहीं पसंद है तो। एंड लास्टली इसमें लेमन स्क्वीज़ करके आप इसको हरी चटनी के साथ सर्व कर सकते हैं। तो अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड लाइक ज़रूर करें मेरे इस वीडियो को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।